डोंगरी जी महाराज आगे तत्वात रामायण में कहते हैं केकई के जो मन में आया सो बकने लगी। महाराज दशरथ से मनाते हुए कहने लगे, केकई तू ये क्या बोल रही है, तू मेरे ऊपर दया कर, मेरे राम ने मेरे कोई अपराध किया है तो क्षमा कर, मैं भरत को राज्य दे दूंगा। केकई मैं राम को राज्य लेकर अयोध्या के राजा वशिष्ठ जी के आश्रम में रह जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, परंतु मेरे राम को तू आंखों से दूर न कर, मैं तेरे पग पड़ता हूँ, तू मुझे मेरे ऊपर भी दया कर आती नहीं है, मैं तुझे ठीक करता हूँ, तू भरत के लिए राज्य की मांग करती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भरत गद्दी पर बैठेगा नहीं, वह मना कर देगा, 14 बरस पीछे श्री रामचंद्र जी सूर्य सिंहासन पर विराजेंगे और अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा उनके दर्शन करेगी, परंतु मैं देखने के लिए जीवित नहीं रहूँगा, मेरे जीवन का अंतिम मनोरथ अधूरा रह जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। भगवान शंकर की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे प्राण निकले पीछे राम भले मन में जाए, परंतु अंतिम श्वास तक मुझको राम दिखते रहे। मेरी दूसरी इच्छा नहीं है कि मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत कर, नहीं तो तुमको पीछे बहुत ही पश्चाताप होगा, तुम मान जाओ। राजा ने केकई को अनेक रीति समझाने का प्रयत्न किया परंतु वह नहीं मानी। इसलिए एक बार दुराग्रह करे तो पीछे राक्षसी जैसी होती है, जो केकई को प्यारी लगती है। ऐसी अनेक ब्राह्मणों की पत्नी आकर केकई को समझाने लगी कि ये तुम क्या करती हो, परंतु केकई किसी की मानती नहीं है। महाराज दशरथ बहुत घबराए, हताश हो गए, बोले केकई ये तेरा दोष है, मुझको लगता है कि मेरा काल मेरे शरीर में आकर बैठ गया है। केकई अब तू एक अक्षर भी मत बोलना, तो अपना मुँह मुझको दिखाना नहीं, मुझको तो अच्छा लगे वही कर। महाराज जब सूर्यनारायण को मनाने लगे, हे सूर्यनारायण तुम आज उदय न होना, मेरे राम को ये खबर पड़ेगी तो राम घर में नहीं रहेगा, वन में चला जाएगा। महाराज जिब्बा से राम जी ऐसा कह रहे नहीं कि तुम वन में जाओ, ये तो केकई ने ही कहा था, परंतु फलतः तुरंत राम जी के वन में जाने के लिए दय ले ली। राजा का भय सत्य हुआ। महाराज दशरथ ने सूर्यनारायण से कहा, मेरा राम घर में नहीं रहेगा, मेरा राम वन में जाएगा तो हे सूर्यनारायण तुमको भी बहुत दुख होगा, देखना आज की रात तो पूरी नहीं सो पाएगा। ये शंकर भगवान तुम तो आशुतोष हो, तुम तो अंतर में आई हो, मुझे तुमसे ऐसा वरदान दो, मुझे दूसरों कुछ नहीं चाहिए मांगना, भले ही असत्य बोलने का पाप मेरे सिर आए, भले ही मैं नरक में जाऊँ, परंतु मेरा राम मेरी आंखों से दूर न हो। हे शंकर भगवान मेरा राम को ऐसी बुद्धि दो कि मुझे छोड़कर वन में नहीं जाए। महाराज दशरथ पलंग पर पड़े पड़े शंकर भगवान को मनाते हैं। महाराज अब बहुत व्याकुल थे, समस्त रात्रि नींद नहीं आई, श्री राम श्री राम श्री राम लड़ते हुए पड़े रहे, आधा शरीर पलंग पर था आधा शरीर पति के ऊपर पड़ा था, उन्हें व्याकुल थे कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे जाऊँ। राजा दशरथ काल मानो केकई में बैठा हो तो उसकी मृत्यु की घड़ी निकट गिन रहा हो। इस प्रकार केकई वहाँ बैठी थी, केकई की निर्भरता की सीमा नहीं थी, उसका वर्णन हो सकता नहीं। अयोध्या की प्रजा श्री राम के दर्शन के लिए आतुर थी, आतुरता भी इतनी तीव्र थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कब आज की रात्रि पूरी हो और कब राम जी के राज्याभिषेक हो। श्री सीताराम जी कल हाथी के ऊपर विराजेंगे और हम सब दर्शन करेंगे, लोगों की रात्रि में निंद्रा भी नहीं आती। अयोध्या में स्त्री श्री सीताराम जी को नाम लेकर संगीत गीत गाती थी, अयोध्या की प्रजा खूब आनंद में थी। प्रातःकाल हुआ, राजमहल में आंगन में लोगों की बहुत भीड़ हो गई, लोग स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आए हुए थे, सभी अत्यंत तो उत्साह आनंद में थे कि आज राम जी का राज्याभिषेक होगा। लेकिन नित्य तो महाराज दशरथ प्रातःकाल 4 बजे उठते थे, महाराज का नियम था कि ब्रह्ममुहूर्त में किसी भी दिन पलंग पर बैठे लेटे नहीं, प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में आरंभ होता था। ब्रह्ममुहूर्त की निंदा पुण्य का विनाश करने वाली होती है, कितने तो लोग ऐसा समझते हैं कि सुबह की निंद्रा बहुत अच्छी होती है। सुबह 4 बजे जो चारपाई पर जिसको बहुत अच्छा मज़ा आता है उसको बहुत ऊपर जाने पर सजा मिलती है। सुबह 4 बजने के बाद निंद्रा नहीं होती, तंद्रा होती है, भक्ति में पूरा आनंद सुबह 4 बजे 5:30 बजे तक होता है। प्रातःकाल में सुबह 4 बजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो और जप करो, ईश्वर के साथ एक बनो, 4 प्रिय वर्ष पर्यंत नियमपूर्वक इसके अनुसार करोगे तो अनुभव प्राप्त होगा। प्रातःकाल में जब ध्यान प्रार्थना की हुई होती तो पूरे दिन परमात्मा तुमको पाप करने से निवारण करते। प्रातःकाल परमात्मा में भक्ति में हृदय थोड़ा पिघल जाता तो सारा दिन आनंद से व्यतीत होता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, इनका नियम सवेरे 4 बजे उठने का था, नित्य तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं उठ जाते, सब विचार में पड़े थे। भारजन बंदीजन महाराज का सुदस करते हुए महाराज का गुणगान करते थे, मंगल गीत गाते थे, ये शब्द महाराज दशरथ के कानों में पड़े। महाराज दशरथ घबराए कि अब आज रात पूरी हो गई, ऐसा लगता है सूर्योदय हो गया लगता है, अब आज मुझे क्या दुख देखना है, इसकी खबर पड़ती नहीं,
राम अभी घर में है, इसलिए अभी मेरे प्राण चले जाएं तो ठीक है। मंत्री सुमंत्र भी आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि अभी तक किस कारण महाराज नहीं आए जागे हैं। उनका आश्चर्य हुआ, थोड़ा घबरा भी गए। देरी लगकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया, परंतु राजमहल को मानो खोने को दौड़ रहा हो, ऐसा शमशान जैसा लग रहा था। काल वस्त्र पहने केके वहाँ बैठी थी, महाराज मूर्छा में थे। मंत्री जी ने रानी केके से बंधन करके कहा, महाराज का शरीर तो ठीक है ना, महाराज को रात्रि नींद तो आई है थी ना। महाराज केके ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात मुझे ये भी नींद नहीं आई और इनको भी नहीं आई, पूरी रात ये राम राम रटते रहे। अब तो इनका पुत्र आवे और बाप से पूछे, मैं क्या जानूं, जाओ राम जी को जल्दी बुला लाओ। मंत्री समझ गए कि इनके यकीन ने कुछ कपट किया है, परंतु मालूम होता है। मंत्री जी बाहर आए, सब लोग पूछने लगे, महाराज आज क्यों नहीं जा रहे, जाग रहे हैं, क्या हो गया है? मंत्री जी ने कहा, अभी जानेंगे, जागेंगे, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है। लोग घबराए, मंत्री जी सीधे राम जी के पास गए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा थी। मंत्री जी आए, उस समय राम उठकर खड़े हो गए। राम जी मंत्री जी का पिता की भांति सम्मान करते थे। थोड़ा विचार करो, राम जी जो तो राजा थे, मंत्री जी इनके सेवक थे, फिर भी राम जी मंत्री जी को पिता के समान मानते थे। मंत्री का सम्मान करते हुए राम जी ने पूछा, आपका किस कारण आगमन हुआ? मंत्री जी ने कहा, महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इसे सुनते ही श्री राम दौड़ते हुए गए, मेरे पिताजी मुझे याद कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रहा है कि राम जी को न तो वस्त्रों का ध्यान रहा, न पैरों की जूतियों का ध्यान रहा। अयोध्या की प्रजा देखने लगी, ये क्या है, नगे पे राम जी दौड़ते चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने अंदर प्रवेश किया, पिताजी को देखा। राम जी को बहुत दुख हुआ, मेरे पिताजी की ये दशा। रामचंद्र जी ने केकई की माँ का वंदन किया और पूछा, माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया, इनको रात्रि में निंदा नहीं आई थी क्या, आज ये क्यों दुआस है, इनको क्या चिंता, क्या दुख है, मुझे पिताजी की इच्छा बताओ, आज्ञा बताओ, पिताजी की आज्ञा पालन करे वही पुत्र सत्पुत होता है। सब अपने पिताजी के लिए मैंने प्राण भी दे सकता हूँ, आप तन भी संकोच रखो मत, मुझसे प्रकट कर दो। केके ने कहा, राम अपने पिता के दुख के कारण तुम ही हो। ये सब सुनकर रघुनाथ जी हृदय में बाण जैसे लगे, पिता के गुप्त कारण मैं हूँ, अत्यंत दुखी होकर राम जी ने कहा, माँ मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मेरे पिता के मेरे पिताजी को दुख हो रहा है? केके ने कहा, बेटा तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं है। राम जी ने कहा, ना 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 माँ, मेरा कुछ भूल हुई होगी और इस कारण पिताजी ने कहने के कुछ संकोच सा हो रहा होगा। केके ने कहा, ना बेटा तुमने कोई भूख नहीं की, बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे दो वरदान दिए थे, आज मुझे उन्हें मांग लेने की इच्छा हुई इसलिए मांग लिए। मैंने एक वरदान भरत के लिए गद्दी मांगी और दूसरे वरदान में ऐसा मांगा कि सूर्योदय होते ही 14 वर्ष के लिए राम वन में जाए, राम का राज्याभिषेक करूँगा, ऐसा कहा था, तब बदले में वनवास देने में इनको संकोच हो रहा है, ये बहुत शर्माते हैं। परंतु बेटा तुम्हारे पिता कल्याण ऐसा हो, ऐसा करना करना चाहिए। वृद्धावस्था में उनके सिर पर अपकीर्ति का, असत्य बोलने का कलंक न लगे, ये तुम्हें सोचना है। ये अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो। रामचंद्र जी ने केके के वंदन करके कहा, माँ मुझको तो ऐसा लगता है कि आप भरत की अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, मेरे ऊपर इस विशेष प्रेम के कारण ही तुमने ऐसा वरदान मांगा है। माँ अब मैं माँ तुम मेरी पक्षपात करती हो, मुझको ऋषि मुनियों का सत्संग मिले और इस स्थिति से मेरा कल्याण हो, इसलिए तुम मुझको वन में भेजती हो। माँ मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, ये सुनकर मुझको बहुत आनंद हुआ। माँ अब मैं जल्दी वन में जाऊँगा, परंतु माँ मुझको दुख तो ये होता है कि एक छोटी सी साधारण सी बात और पिताजी को इतना दुख क्यों हुआ, इतनी छोटी बात के लिए पिताजी इतने अधिक व्याकुल क्यों हो गए? इसमें माँ मुझको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बड़ी अपराध हो गया है और इसी कारण पिताजी मुझसे कुछ कहते नहीं हैं, मेरे साथ बात भी करते नहीं हैं। केके ने कहा, ना ना बेटा ऐसा द्वारा कोई अपराध हुआ नहीं है। रोंगरे जी महाराज आगे कहेंगे, उसके पहले जय सियाराम, जय सियाराम।